नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर से। सबसे पहले बात विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की, जिसमें आखिरकार सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। इसका ऐलान करते हुए तीनों दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 85-85 सीटों का तीनों दलों में बंटवारा हो चुका है, लेकिन 33 सीटें जो हैं उस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। इस बरकरार सस्पेंस के बीच उद्धव ठाकरे ने 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। बैठकों के दर्जनों दौर और अनबन के कई किस्सों के बाद आखिरकार बुधवार शाम महाविकास अघाड़ी का सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया। कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एकमत हमने किया है सीट के ऊपर। हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। बाकी 33 सीटों पर तीनों दलों के बीच अभी चर्चा होनी है, यानी इन सीटों पर सहमति बननी बाकी है। ए बी फॉर्म वगैरह जो तैयारियां सब करनी पड़ती है उसके लिए फॉरन दिया हुआ ये इच्छा है ये। और बाकी की जो चंद सीटें रहती हैं उसमें ये छोटे पक्ष हैं हमारे साथ में, जो हमारे अलाइज है उनके साथ में बातचीत करके उनको भी दिया जाएगा। बाकी रहे हुए सीट भी एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे और बहुत अच्छी रीति तीनों प्रमुख दल यानी 85-85 पे हैं, बाकी आप उसी पे रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बस कुछ ही मिनट पहले उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ ही केदार दिघे के नाम अहम रहे। मुख्यमंत्री शिंदे के गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे एकनाथ शिंदे के खिलाफ चुनाव में खड़े होंगे। संजय राउत कहते हैं कि कुछ सीटों पर बदलाव हो सकते हैं। हमारी शिवसेना की जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से कैसे गलती हुई इस बारे में अनिल देसाई देखकर सुधार करेंगे। कल महाविकास अघाड़ी की दोबारा इस पर चर्चा होगी, कल एमवीए की दोबारा इस पर चर्चा होगी। दरियापुर, चंद्रपुर, मुंबई की भाईखला और वर्सोवा, बुल्ढाना, वनी सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में मतभेद बताए जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट इन सीटों की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि ये उसके लिए मजबूत सीटें हैं। विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर भी महाविकास अघाड़ी में विवाद जारी है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन सीटों का जो गणित बताया उससे हिंदी फिल्म का एक गाना याद आ गया, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। यानी पर्दे के पीछे सीट शेयरिंग की सहमति बनाने की जद्दोजहद अब भी जारी है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक और ठाकरे की चुनावी मैदान में एंट्री हो चुकी है। राज ठाकरे के बेटे और आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई अमित ठाकरे इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां मौजूद हैं, दादर माहिम, यहां से उन्हें टिकट मिल गया है। लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में त्रिकोणीय लड़ाई है। दिखाते हैं आपको मुंबई से रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई का सबसे दिलचस्प मुकाबला अब माहिम विधानसभा क्षेत्र में होगा। दादर माहिम चुनावी क्षेत्र में लड़ाई त्रिकोणीय है क्योंकि एमएनएस और शिवसेना के दोनों ठाकरे शिंदे गुट आपस में भिड़ रहे हैं। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को माहिम सीट से मैदान में उतार दिया है। नई पीढ़ी में आदित्य ठाकरे के बाद अब उनके चचेरे भाई अमित ठाकरे परिवार के दूसरे ऐसे सदस्य हैं जो कि चुनावी राजनीति में कदम रख रहे हैं। जहाँ राज साहब जाते हैं, अमित साहब जाते हैं, वहाँ लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, वहाँ तो वो जुड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी उनके खिलाफ लड़ेगा उनका डिपॉजिट जब्त होगा, क्योंकि ये जो माहिम करके एरिया है वहाँ पे पिछले 25 सालों से राज साहब काम कर रहे हैं। हर एक घर में राज साहब के दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार पूरा माहिम एरिया जो है वो राज साहब के साथ खड़ा रहेगा। अमित ठाकरे के सामने शिवसेना ने सदा सरवणकर को मैदान में उतारा है। उधर उद्धव गुट से शिवसेना प्रभाग प्रमुख महेश सावंत की उम्मीदवारी तय है, यानी दादर माहिम सीट पर ट्रिपल फाइट होने जा रही है। माहिम विधानसभा क्षेत्र प्रभा देवी दादर पर शिवसेना का भगवा फहराएंगे। चाहे कितनी भी चुनौती हो, दिन रात जनता से मिलने वाला प्रत्याशी जनता से मिल चुका है।
हम उसी तरह काम करने जा रहे हैं जैसे बाला साहेब और उद्धव साहेब की शिवसेना काम करती है। हमारी जीत पक्की है। हम आपसे 23 तारीख को जलोश में बात करेंगे। 23 तारखेला अशीच आम्ही जल्लोष मध्ये मुलाकात तुम्हाला देणार। जहां महायुति से चर्चा के बाद अमित ठाकरे को सुरक्षित सीट पर उतारने की पिता राज ठाकरे की रणनीति खूब चर्चा में रही, वहां अब इस त्रिकोणीय उम्मीदवारी के कई अपने मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 वोट से वो डिसीजिव रहेंगे और वो किधर जाएंगे ये डिसाइड करेगा कि क्या अमित ठाकरे जीतेंगे या कोई और। और जो कि इंडिकेशंस है कि बीजेपी अपने वोट्स यानी संघ परिवार अपने वोट्स अमित ठाकरे के पक्ष में ही डालेंगे ऐसा लग रहा है। एक तरह से राज ठाकरे ने अपनी एक ऐसी चाल चली है कि जहां बीजेपी का उम्मीदवार भी नहीं है और बीजेपी के खुद के वोट है, अमित ठाकरे का राजकीय एक प्रकार का भवितव्य जो है वो संघ परिवार बीजेपी के वोट्स की बदौलत चल पड़ सकता है। दरअसल माहिम निर्वाचन क्षेत्र पर ऐतिहासिक रूप से एमएनएस और शिवसेना के बीच करीबी मुकाबला देखा गया है, जिसमें एमएनएस ने 2009 में माहिम की सीट जीती थी, 2014 में हारी, लेकिन 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में एमएनएस के उम्मीदवारों ने शिवसेना के सदा सरवणकर को कड़ी टक्कर दी थी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में AQI 350 तक पहुंच चुका है। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब सरकार को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करे और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए। पंजाब सरकार के प्रदूषण के मद्देनजर जो फंड मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार 2 हफ्ते में फैसला ले। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट साल दर साल आदेश देता आया है लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब तक कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करना होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का बड़ा कारण पंजाब हरियाणा में पराली जलाना भी है, जो कि पाबंदी के बावजूद जलाई जा रही है। इसको लेकर कार्रवाई भी शुरू है। हरियाणा में कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया है तो पंजाब में कुछ किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हालांकि किसान कहते हैं कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। देखिए, पंजाब की पराली जलाने का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और पंजाब में लगातार हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है। लगातार 897 FIR की है लेकिन किसान अपनी मजबूरी दिखाता है कि क्यों उसको पराली जलानी पड़ती है। इस समय हम एक खेत में है, यहाँ पे हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसान पराली इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि किसानों को लग रहा है कि शायद ये पराली कोई उठा के ले जाएगा, शायद कोई फैक्ट्री वाले ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो किसान है वो कहता है मेरी मजबूरी है कि मुझे ये पराली जलानी पड़ती है। तो आइए किसान है जो उनसे बात करते हैं। तो शेखू साहब, आप भी लैंड होल्डिंग रखते हैं, आप भी किसान हैं, तो क्या ऐसी मजबूरी है किसान की कि किसान को पराली जलानी पड़ रही है? पराली की तो मजबूरी ऐसे है साहब के टाइम आज 21 अक्टूबर हो गया, सोइंग का टाइम शुरू हो गया और हमने ये 10th या 15th नवंबर तक सोइंग करनी है और उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई भी बेलर्स बेशक गवर्नमेंट ने इशू किए हैं लेकिन वो बहुत ही वो जो जितना काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का 10% ही इशू हो रहा है। वो कम से कम 50% तक आ जाए तो वो एक सिस्टम बन जाएगा तो फार्मर अपना इकट्ठी करने में कामयाब हो सकता है। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट भी एक फुली कमिटेड नहीं है कि पराली के लिए फार्मर को हम फोकस होके ऑर्गेनाइज होके हेल्प कर पाए। हालत तो ऐसी है जी, कोई सरकार महकमे वाले आकर बोल देते हैं भी ऐसे करो, अगल मत लगाओ, कोई मशीनरी हमारे को देते नहीं, यहाँ पे बेलर की कोई सुविधा नहीं है, फिर मजबूरन हमारे को आग लगानी पड़ती है और कहने से कुछ नहीं होता जी। अगर हमारे को मशीन दे जहाँ से बेलर मिल जाए सही टाइम पे तो इसकी गठ बन जाएगी। हम यही करते हैं रिक्वेस्ट भी सोसाइटीज़ को इनको दें। पर सरकार कहती है आप मशीन्स पूरी दे रहे हैं, मशीन्स में कोई कमी नहीं, कॉम्पनसेशन को लेके लगातार आपकी भी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच चुका है। सरकार कह रही है हम मशीन सारी दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि मशीन नहीं पहुंच रही? अपनी लिस्ट दे दें कौन कौन से गांव में दी है, हम साथ वाले से लेते हैं, ठीक है ना जी। ऐसी नहीं मशीन दे रही, उसकी जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, कल को रिपेयर होगी वो भी होगा, पहले तो आई नहीं यहाँ पर, अगर आएगी फिर देखेंगे ना।
दो दो गांव को एक दे दें सारे खराब हुए पे हैं तीनों रोटोवीटर तीन खराब हुए पे है कोई नहीं ठीक कर रहा और सरकार में कोई मशीन वगैरह ठीक करने फैक्ट्री कहा मैं कितना करा कितना कराऊंगा बेच रहा उन्होंने। और दिल्ली स्थित जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में बनाई जा रही रंगोली और दियों के साथ छेड़छाड़ के बाद बवाल शुरू हुआ। क्या है पूरा मामला आपको दिखाते हैं शुभांग सिंह ठाकुर की इस रिपोर्ट में। मंगलवार को जामिया मिलिया के दीपोत्सव कार्यक्रम में लगते नारे राष्ट्रीय कला मंच और युवा जामिया द्वारा दिवाली के अवसर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था और सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन अचानक झड़प हो गई। 7:30 का समय आया तो कुछ मॉब आए 50-60 लोगों का, उन्होंने सबसे पहले दिया को तोड़ा जो वहाँ पे रंगोली पे रखे गए थे, रंगोली को पैर से मिटाया, उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की और उसके साथ साथ उनमें से किसी ने ये बात कही कि आप अपनी लड़कियों को कहें कि हिजाब पहन के आएं अन्यथा उनका रेप कर दिया जाएगा। हमसे वो लोग आईडी मांग रहे थे कि आप यहाँ के हैं कि नहीं हैं, वो कौन होते हैं मांगने वाले, बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों को बाहर निकाल के आएँ। हिंदू और मुस्लिम छात्र एक साथ शांति से सभी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे थे। रंगोली का जो आयोजन है ये जो प्री सेलिब्रेशन का आयोजन ये पहले से किया हुआ था, परमिशन वगैरह सबके लिए गए थे, ठीक है। अचानक से मतलब कुछ देर बाद बाहरी लोग आए और जिसके बाद से ये हिंसा झड़प शुरू हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई, लोग दो गुट में बट गए। एक तरफ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे, दूसरी तरफ जय माता दी के नारे लगाए जा रहे। एक्चुअली हुआ ये था कि यहाँ पे रंगोली का कार्यक्रम हो रहा था और ज़्यादातर जो लोग रंगोली बना रहे थे, मैंने और मेरे एक दोस्त ने पूरे कैंपस में घूम के देखा जहाँ जहाँ रंगोली बन रही थी। हमने सबसे पूछा कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, तो तकरीबन 60% लोग अपना डिपार्टमेंट और अपना नाम बनाने में हिचक जा रहे थे। इसका साफ साफ उद्देश्य ये था कि वो यहाँ के नहीं थे। अगर हम कुछ भी प्रोग्राम कर लेते हैं, ये अकेडमिक डिस्कशन है या कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं परमिशन देते। अगर बाहर का लोग आएंगे बिल्कुल नहीं देते, यहाँ पे परमिशन नहीं देते। लेकिन कल का प्रोग्राम में ये इतना बड़ा नेता, ये BVP का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और ऐसा ऐसा लोग कैसे यहाँ आया, कौन परमिशन दे दिया, या प्रोक्टर साहब ने दे दिया होगा या VC ने दे दिया होगा। जहाँ एक तरफ ABVP के छात्र अपना पक्ष बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ NSUI के छात्रों ने ABVP पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों का साथ फोटोशूट कर रहे। दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद ये साफ है कि लड़ाई और झगड़े की शुरुआत नारेबाजी से हुई, लेकिन कौन सच बोल रहा है इस बात का पता जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन स्टीफन एंथनी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। और दिल्ली के बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राजधानी दिल्ली में 10 दिनों के लिए 6वीं और 8वीं के बच्चों को स्कूल बैग से निजात मिलने वाली है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 बैगलेस डे लागू किए जाए। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि हैप्पीनेस करिकुलम या घूमने फिरने आदि गतिविधियों को बैगलेस डे में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा छात्र ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों और कई अन्य स्थानों पर भी जा सकते हैं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि गतिविधियों को सावधानी से चुना जा सकता है ताकि स्कूल के पास उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। स्कूली बच्चों के लिए भारी भरकम बैग लेकर स्कूल जाना हमेशा से ही एक बहस का मुद्दा रहा है। इस विषय पर खूब चर्चाएं हुई हैं कि छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का इतना लोड डाल दिया जाता है कि उन्हें भारी बैग लेकर स्कूल पहुँचना पड़ता है। और नो बैग डे के फैसले पर दिल्ली स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। तो बैगलेस डेज, बैग के बिना जो है आपको स्कूल आने को मिलता है, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है वो सीखने को मिलती है, तो कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मतलब मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेडली उठती हूँ कि मतलब मेरे कल आज मेरा नो बैग डे है, मैं वहाँ जाके बहुत सारी एक्टिविटीज़ करूँगी एंड बहुत कुछ। जी, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगता है जब बैगलेस डेज होते हैं और किस तरह के एक्टिविटीज़ आप करते हैं?
जब बैगलेस डेज होते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन हमें बैग्स नहीं ले जाने होते, उस दिन हमें बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती। हम उन बुक्स के द्वारा जो गिवन एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम उसके द्वारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही होती हैं, जैसे अभी रिसेंट में जो हमारा नो बैग डे हुआ था, उसमें हमारी एक एक्टिविटी थी फाउंटेन एक्टिविटी, जिसमें हमें फाउंटेन बनाना सिखाया गया था और केमिकल रिएक्शन सिखाए गए थे कि अगर ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस के साथ मिलेगा तो क्या रिएक्शंस आएंगे, और फाउंटेन बना के बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगता है जो बैगलेस डेज होते हैं, और क्या कुछ होना चाहिए, और भी क्या कुछ होना चाहिए बैगलेस डे में, और क्या करते हैं आप बैगलेस डेज में? हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे पूरा दिन 8 पीरियड्स 8 एक्टिविटीज़ से भरा होता है। जैसे पिछली बार हमारे बैग डे में 7th क्लास के लिए एक बैंक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें मैं एक सेशन में था, लाइक ओपनिंग एन अकाउंट सेशन, जिसमें हमें ओपन एन अकाउंट करना सिखाया गया था जी। और ये बैगलेस डे से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजन को के साथ मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बोनस का बड़ा तोहफा, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और दिवाली से पहले योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल होने वाली वेतन वृद्धि के अलावा इस साल बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी साझा की गई है। इस घोषणा में जिन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा उनमें सरकारी विभागों के अलावा नगर निकाय और जिला पंचायतों में काम कर रहे सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, मंच पर उपस्थित स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले 3 बड़ी सौगातें दी हैं। पहली सौगात, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता इस बार फिर से बढ़ाया है, जिससे कि जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी है उसमें इजाफा होगा। इसके अलावा दूसरी सौगात है बोनस की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जिस प्रस्ताव में राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बोनस भी देने की बात कही गई थी, और मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया। और तीसरी सौगात ये कि त्योहारों के मौसम में दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का जो वेतन है वो दे दिया जाएगा। चूँकि इस बार दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर को है, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है और छठ का त्यौहार है, तो 6 दिन में 4 बड़े त्यौहार होने की वजह से सीएम ने यह फैसला किया है कि राज्य कर्मचारियों को इस बार उनकी सैलरी समय से पहले दे दी जाए, यानी कि त्योहारों से पहले दे दी जाए, और इसके लिए जो प्रस्ताव था उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूर कर दिया। तो ऐसे में 3 बड़ी सौगातें दिवाली से पहले राज्य सरकार ने दिया है, और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसके खजाने में पैसा अतिरिक्त है, और इसी वजह से जो सरकारी खजाना है उस सरकारी खजाने का एक हिस्सा राज्य कर्मचारियों को बोनस के तौर पर दिया जा रहा है, उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, और समय से पहले सैलरी दे करके मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों की दिवाली को और ज़्यादा रोशन कर दिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत, खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।